शाइन सिटी घोटाले के मास्टरमाइंड शाहिद माफ कीजिए राशिद नसीम की विदेश में संपत्ति होगी जब्त। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 के तहत ईडी राशिद नसीम पर केस दर्ज करने जा रही है। एक्ट के तहत भगदड़ आर्थिक अपराधियों पर कार्रवाई की जाती है और इस एक्ट के तहत आरोपी के विदेश में भी खरीदी गई संपत्ति जब्त की जा सकती है। इस एक्ट के तहत पहली बार यूपी में केस दर्ज हो रहा है। विजय माल्या, नीरव मोदी और इनके अलावा कुल 14 भगोड़े अपराधियों पर इस एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। श्राइन सिटी पर निवेशकों के करीब 60,000 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप है। राशिद नसीम की कई देशों में भी संपत्तियां बताई जा रही हैं। अब ये भी बताया जाता है कि राशिद नसीम दुबई में हीरे का कारोबार कर रहा है फिलहाल। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। ऋषभ मणि, पहली बार ऐसा हो रहा है कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 के तहत पहला केस यूपी में दर्ज होने जा रहा है, ये पूरी खबर विस्तार से बताइए। देखिए, शाइन सिटी कंपनी के खिलाफ पूरे देश में करीब 500 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं धोखाधड़ी के, जालसाजी के, रकम हड़पने के, और करीब 60,000 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप है हजारों निवेशकों के। तमाम इस कंपनी से जुड़े हुए लोग जेल में हैं। राशिद नसीम का भाई आसिफ नसीम भी जेल में है, लेकिन राशिद नसीम भाग चुका है भारत से। बताया जाता है वो दुबई में रहकर हीरे का कारोबार कर रहा है। लिहाजा अब जो आर्थिक अपराधियों के खिलाफ सबसे सख्त कानून होता है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, ये सख्त कानून 2018 में बनाया गया था, जिसके तहत आर्थिक अपराधी जो देश छोड़ के भाग जाते हैं उनकी विदेशों में भी जो संपत्ति है उसको भी जब्त किया जा सकता है। उसी के तहत ये कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही ईडी उसमें ये कार्रवाई करने वाली है। और ये जो बताया जाता है इस एक्ट के तहत कि कुछ शर्तें होती है केस दर्ज करने की, कि विदेश भागने वाला जो भी, ठीक है, तो मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में इस तरह का एक्ट लगाया जाता है और ये एक्ट यूपी में पहली बार इस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ मणि त्रिपाठी जानकारी के लिए।